पुल के उस पार। अली जल्दी करो, लेट हो रहा है। सबा आई अम्मी, गुड़िया रेडी हो गई बेटा, जल्दी करो। जी अम्मी मैं रेडी हूँ। अली भाई मैं रेडी हूँ। हाँ हुमा आया। सबा अम्मी जान चाय। शुक्रिया बेटा। ये अली और हुमा कहाँ हैं? ये लोग सब तैयार हैं अम्मी। बुढ़िया बेटा आ जाओ, देर हो रही है। अली हुमा सबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अली। जी अम्मी। तुम बहुत देर करते हो, तुम्हें हुमा को भी कॉलेज छोड़ना होता है, बच्ची को भी स्कूल छोड़ना होता है, जरा जल्दी उठ जाया करो। अम्मी ये रोजाना हुमा के चक्कर में देर होती है। अम्मी झूठ बोल रहे, एक के बाद दूसरे पराठे की फरमाइशें कर रहे होते हैं और कह रहे हैं मेरी वजह से देर होती है, कोई नहीं होती। अच्छा बस बस बहस बंद करो, जल्दी से स्कूल छोड़ो, गेट बंद हो गया तो इसकी तालीम का हर्ज होगा। चलो जाओ शाबाश। भाभी। अरे हाँ ये रो, ये तुम्हारी पॉकेट मनी, ये तुम्हारी पॉकेट और ये तुम्हारी फीस के पैसे। अली मैंने इसकी फीस कार्ड में फीस के पैसे डाल दिए, आज यहाँ से जमा करवा देना। अच्छा भाभी मैं करा दूँ, चलो चलो। सबा बेटा तुमने सारे घर का बोझ अपने कंधों पे लिया है और तुम। अम्मी ये घर मेरे ही तो है, और प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, इस तरह मायूस होती है तो मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। नहीं बेटा तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फराज उठ गए? बस उठने वा... अम्मी फराज आवाज दे रहे ना, मैं आती हूँ देखती हूँ। या अल्लाह खैर। सबा फराज, फराज उठिए, फराज उठिए ना, उठिए फराज, आराम से उठे। हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, खफा हो जाओ। ये क्या किया तुमने, हाथ कैसे उठाया तुमने सभा पे? पंखा बंद हो गया था, मैं बेड से नीचे गिर गया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहा था। किस किस की परवाह कर रही है, तुम्हारी, तुम्हारी बच्ची की, तुम्हारे बहन भाइयों की तालीम की, आप मेरे बुढ़ापे की बेबसी की। आप उठे, उठिए आप उठिए। बिस्मिल्लाह आराम से बिछा दे, आराम से बैठ। फराज मुझे माफ कर दे, मुझे अंदाजा नहीं था आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे। गरम दवाएं मेरे वजूद में आग भर देती हैं। किसी को मेरी परवाह नहीं है, अब आज हो गया हूँ ना, माजूर हो गया हूँ, बोझ बन गया हूँ सब पर। ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। पानी पिला दो मुझे। जी। अम्मी क्यों झूठी तसल्लियां देती हैं मुझे,
मुझे मालूम है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगा। बेबसी की बातें क्यों करते हो? ठीक हो जाओगे अल्लाह ने चाहा तो। ये पानी पिए आराम से। फराज, I'm sorry. नहीं सबा, सॉरी तो मुझे करना चाहिए तुमसे। I'm sorry. कामी प्लीज, तुम अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करो। हाँ अच्छा ठीक है, कोई भी इत्तला आएगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। हाँ बेटा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके बाय। क्या कह रहा था? रचना के लिए फिक्रमंद हो रहा था। तुम हॉस्पिटल गई थी रचना को देखने? क्या फायदा जाने का, इस बार भी वही खबर आएगी जो पिछले 3 बार आ चुकी है। मुझे ऑफिस के लिए वैसे भी देर हो रही है, आदिल संभाल लेगा रचना को। सेब, तुम अच्छी तरह जानती हो मुर्दा बच्चा पैदा करने का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा आदिल है, रचना नहीं है। फिर तुम रचना को क्यों इल्जाम ठहराती? उमेर, मुर्दा बच्चा रचना जन्म देती है, आदिल नहीं। तुम्हें डॉक्टर ने मना नहीं किया था कि आदिल की शादी ना करना? उमेर तुम होश में भी हो? मैं क्या कहती लोगों को कि क्यों मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर रही, इसलिए कि मेरा बेटा। आदिल बेटा रचना ठीक तो है ना? आदिल बेटा कहीं इस बार भी तो मुर्दा बच्चा। थक गया हूं अपने मुर्दा बच्चों की लाशें उठा उठा कर, कंधे चल हो गए मेरे। तुम कहीं अपने बच्चे की डेड बॉडी घर तो नहीं ले आए? ईदी ट्रस्ट में देकर आया हूं। थैंक गॉड। ओके फॉरगेट इट, आओ बैठो नाश्ता करो। अबे नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहता हूं। पापा प्लीज आप हॉस्पिटल गाड़ी भेजकर रचना को बुलवा लीजिएगा। अच्छा बेटा जाओ। मेरा जवान बेटा मेरे सामने मायूसी के अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अम्मी जान अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हमें हौसला कौन देगा? ये कैसी बेबसी है? मेरा जवान बेटा मेरे सामने मायूसी के अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। उसकी बीमारी उसे दीमक की तरह चाट रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आप ठीक कह रही हैं, पर आज के इलाज में वाकई कोताही हुई है। डॉक्टर ने फर्स्ट ऑपरेशन के लिए 2 महीने पहले कहा था। अम्मी आप उन्हें समझाएं ना, उनसे कहें मुझे जॉब करने की इजाजत तो दे दें। बेटा घर बैठ के भी तो पूरे कुंबे को तुम ही पाल रही हो, इस उम्मीद पर कि अली आला तालीम हासिल कर लेगा तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी उसे। वो बेचारा तो कितनी बार कह चुका है कि मैं अपनी तालीम छोड़कर जॉब कर लेता हूँ। जब तक दिल फिरेंगे तब तक फराज, अम्मी अल्लाह ना करे ऐसी बातें तो ना करें। इलाज में इतनी ताखीर, अरे क्या करूं, तुम्हारा जेवर बिक गया मेरा जेवर बिक गया, फराज के एक्सीडेंट में तो सब कुछ खत्म हो गया।
अब तो ले दे के सिर्फ ये घर बाकी रह गया। नहीं अम्मी, अम्मी आप ही मुझे जॉब करने की इजाजत दे दीजिए ना। आपसे एक बात कहूं अम्मी, आप मामू जान से सबक तो जी। अम्मी आप मामू जान से मेरी जॉब के सिलसिले में तो बात कर सकती हैं। अम्मी हो सकता है उनके ऑफिस में मेरे लिए कोई वैकेंसी खाली हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप फराज के ऑपरेशन के लिए उनसे पैसे तो मांग सकती हैं ना। तुम्हें याद है जब फराज का एक्सीडेंट हुआ था तो भाभी नहीं थी और 2000 रुपए मेरे हाथ पे रख के चली गई थी, और उमेर भाई उन्होंने तो पलट के एक फोन तक नहीं किया। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तुम घर में किसी को बताना मत। आप फिक्र ना करिए, किसी को भी बताऊंगी। बाकी चादर लाती हूँ। रचना बहुत ही मनहूस साबित हो रही है हमारे घर के लिए। चौथी बार मुर्दा बच्चा पैदा किया उसने। सेब, सेब तुम क्यों नहीं समझ रही? उमेर प्लीज, अब तुम ये लेक्चर देने मत बैठ जाना कि मैं जानती भी थी कि मेरा बेटा ब्लड की एक मुजी मर्ज में मुब्तला है, फिर भी मैंने उसकी शादी रचना से। अरे वो जिंदा बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो करोड़ों की जायदाद तो लाई है ना अपने साथ। अच्छा तुम ये बताओ कि लंदन तुमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी थी, वहां से कोई रिप्लाई आया या वहां से भी बस मायूसी है? अभी चेक करता हूँ। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को भेज दो रचना के पास, उसे ले आए। देखा कितनी खूबसूरत शाम है ना, ये देखिए ये सारे पौधे आपने अपने हाथों से लगाए थे, और आज ये सब कुछ कितनी खूबसूरत बहारें दे रहे हैं, है ना? सबा, सॉरी, जाने क्यों मैं एकदम से गुस्से में आ जाता हूं। तुम तो मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दे रही हो, सारा दिन सिलाई मशीन चलाती हो। क्या हो गया है फराज, क्यों दोहरा रहे हैं ऐसी बातें? जब आप ठीक थे तब आप हमारे लिए नहीं करते थे बहुत कुछ? हाँ, लेकिन अब तो मैं बेकार हो गया हूँ, नाकारा। फिर वही, मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि आप इन फूल पौधों को देखकर यह एहसास कर सकें कि बहारों ने हमारे आंगन का दामन नहीं छोड़ा, और आपने कि हमेशा मेरा हौसला तोड़ देते। सॉरी यार, भूल जाता हूँ कि तुम हिम्मत ना करती तो ना हुमा ना अली अपनी तालीम जारी रख सकते थे, और ना ही मरियम को इतने अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता। अच्छा ना, प्लीज मुझे एक बात की इजाजत दे दीजिए ना कि मैं। नहीं सबा, घर से बाहर जाके तुम जॉब नहीं करोगी। तुम्हें पता है तुम चंद लम्हों के लिए मेरी नजरों से ओझल होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं बस। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी जॉब। खुश, चाय पियेंगे? ऐसा करो अम्मी को भी बुला लो, इकट्ठे ही पियेंगे। अम्मी तो बाजार गई हुई है, मैं अपने और आपके लिए चाय बनाती। चलो ठीक। हाथ तो छोड़े। अभी लाई। रचना भाभी अगर आपकी बहू है तो मेरी नंद भी है वो। तो क्या करूं, चौथी बार मुर्दा बच्चे को जन्म देकर आ रही है। पुल के उस पार, पुल के उस पार।
रचना, रचना, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छा, और मैं दो दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी आपका इंतजार करती रही कि शायद आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आए। इस बार भी अपने बेटे की खुशियों की लाश देखने का हौसला नहीं था मुझ में। रजिया, तुम एक काम करो, रचना भाभी को लेके उनके बेडरूम में जाओ। जाएं भाभी, आप रेस्ट करें। मामा, क्या करती हैं आप? रचना भाभी अगर आपकी बहू हैं, तो मेरी नंद भी है वो। ये बात क्यों भूल जाती हैं आप? वैसे ही हर वक्त सलीम मेरे पीछे पड़ा रहता है कि इस घर में उसकी बहन के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता, और ऊपर से आपकी ये बात है। तो क्या करूं, चौथी बार मुर्दा बच्चे को जन्म देकर आ रही है, सीने से नहीं लगा सकती उसे मैं। आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, हु केयर्स। ओह गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी, मैं ठीक हूं। जीनत, तुम यहां, खैरियत तो है? जी भाई, वो आप लोगों की याद आई तो मैं चली आई। क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों है? ना, उसे बोलो चाय बनाकर लाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी, कहती हूँ मैं। पापा, वो सलीम के पेरेंट्स आना चाह रहे हैं रचना भाभी से मिलने के लिए। अच्छा, जीनत, आने से पहले मुझे फोन कर देती। वो भाई, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। हाँ, आओ आओ मेरे साथ। ओफो, अब ये कहां से टपक पड़ी इस वक्त? पता नहीं, इन थर्ड क्लास रिश्तेदारों को तौर तरीके कब आएंगे। ये रजिया से बोलो कि ले जाए अपने घर। जीनत, तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस कदर मसरूफ हूं जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जल्दी से बताओ क्या बात। वो भाई अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये लो ये लो, ये रख लो भाई। वो मैं ओहो, ये लो, ये 2000, ये रख लो ना, रख लो। मैं ड्राइवर से कहता हूं, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, परेशान ना होना। और हाँ, आइंदा जब भी यहां आना, पहले फोन करके मुझसे पूछ लेना, ऐसे ना आ जाया करो। मैं रुकूं या चलूं, फैसला नहीं मिल सका,
क्यों हुआ ये सितम, क्या खबर क्या पता। तो एक बार कह क्यों नहीं देते कि यहां का रुख मत किया करें। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी बहन है जीनत। आप तो मामू जान से मिलने गई थी ना, सब खैर तो है? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।